वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त रमजदाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल महार ब्लॉग। इस वक्त हम मौजूद हैं सब्जू शाम चौक पर और हम जा रहे हैं एक बारात के साथ बाहुलपुर। के पीछे बड़ी गाड़ी, बारात की गाड़ी आई हुई है और साथ मेरी गाड़ी खड़ी है। बस बारात तकरीबन रेडी है और यहाँ से निकलेंगे फिर इंशाल्लाह रास्ते के मनाजिर और जो मज़ीद रूटीन है आपसे शेयर करते रहूँगा। मेरे साथ रहिएगा, मेरी तमाम वीडियो को वॉच एंड तक वॉच ज़रूर किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह बारात तकरीबन रेडी है, आप देखें गाड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं, पीछे बस भी खड़ी हुई है, ये देखें सामने दूल्हे की गाड़ी खड़ी हुई है। बस अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह रवानगी है बहावलपुर के लिए, बाकी वहाँ के मनाजिर और रास्ते के मनाजिर इंशाल्लाह आपको दिखाता रहूँगा। बस भी आ चुकी है, ये सामने देखें, एक ये मैरान है, एक ये अल्टस है, एक ये करोला है, एक वो सामने विगो डाला खड़ा हुआ है, एक ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, ये सामने बस भी खड़ी हुई है, देखें दूल्हा साहब आ रहे हैं, ये देखें। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त बहावलपुर टोल प्लाज़ा क्रॉस करके यहाँ रिफ़्रेशमेंट कर रहे हैं और ये जो हमारे काशिप भाई ने उन्होंने सही जलील करने वाला आज काम किया यार। ये देखो इस टाइम आपकी ना लाइव जा रहे हैं आप, ठीक है ना। हम अब ये बताएं कि आपने 4 बजे मुझे बुलाया और ये टाइम आ गया 10 बज रहे हैं यार। यार शादी ब्याह में ये चलता है यार, ये क्या चलता है? वो कैमरा मैन भाई भी परेशान हो रहे हैं, पता नहीं कैमरा मैनों की तो ड्यूटी होती है यार, ड्यूटी होती है। जब दूल्हा दूल्हे के पास रहा चला, दुल्हन के पास ना चला, या कुछ भी नहीं हो सकता। वो आपकी बात ठीक है भाई जान, लेकिन ये भाई भी खड़े हैं, सिगरेट लगाई हुई है, बादशाह इंजॉय कर रहे हैं। हसन रजा साहब बैठे हुए, हसन रजा साहब आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, बड़ा मजा आया और शादी के इस माहौल में आपने सही एंजॉय करवाया है, के लिहाज से आपने गाने सुनवाए हैं और मेरा आपने पसंदीदा गाना भी सुनवाया है और ये गाना रिक्वेस्ट है आपने मुझे डाउनलोड करके मंगवा दीजिए। चाचा जी आप क्या बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत प्यारा सफर हुआ, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छी गाड़ी चलाई, गाने भी सुनाए और चले भाईजान अब जाके जो है दुल्हन लाएंगे, रात को बच्चे को कहेंगे खेलो। ये देखें जी सारे एंजॉय कर रहे हैं, इस वक्त रात के तकरीबन 9:30 हो चुके हैं, बहावलपुर पहुंचे हुए हैं, अभी बहावलपुर आए हैं, अभी सिर्फ बहावलपुर पहुंचे हैं, पता नहीं आगे हमें हाल की लाइटें बंद मिलेंगी। मेरे ख्याल इसी वजह से रिफ्रेशमेंट पहले ही कर लिया, अपना इंतजाम पहले किया हुआ है भाई जान, हमने 1.5 लीटर की बोतल ली है। अब इंशाल्लाह आगे जाके फिर इंशाल्लाह रूटीन आपसे शेयर करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त बहावलपुर फ्लाईओवर पर चढ़ चुके हैं और आगे थोड़ा आगे अभी क्रॉस किए, हम रुके हुए थे तो दूल्हा साहब की गाड़ी ने हमें क्रॉस किया, अभी इनको पकड़ते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत मंजर है और क्या खूबसूरत लाइटिंग की गई है, बहावलपुर रोशनियों का शहर है, छोटा सा शहर है लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। अभी जाके इनको पकड़ते हैं, फिर वो व्यूज भी आप मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहना, मैं कहूँगा फिर चला दियो। वीडियो बन रही है इस वजह से, क्योंकि ना ये YouTube की वीडियो है, इसमें अगर इसकी आवाज़ आती है ना तो फिर ये थंब वो लगा देते हैं कॉपीराइट। अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर खैर वाफिया से पहुंच चुके हुए हैं और अब मैरिज हॉल की तरफ रवाना है और बाकी रूटीन और वहाँ मैरिज हॉल में पहुँच कर रूटीन आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैरिज हॉल खुला होगा क्योंकि 10 बजे तो लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं। देखते हैं अब क्या बनते हैं। खैर वाफिया से हम अल कासिम मैरिज हॉल पहुँच चुके हुए हैं, ये अल कासिम मैरिज हॉल, हर तरफ रश ही रश है, देखिए खाना वगैरह खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भाई अभी खीर खा रहे हैं और कश्मीरी चाय आ चुकी है और काशी भाई रिसीव सर्व कर रहे हैं, ये देखिए कश्मीरी चाय, इस ठंड के मौसम में कश्मीरी चाय का पीने का मज़ा ही अलग है भाई। खैर वाफिया से गाड़ी पार्क कर दी है
और अब हम जा रहे हैं मैरिज हॉल की तरफ। ये सामने संजोक है और हमारा जो मैरिज हॉल है वो है अलकासिम, अलकासिम मैरिज हॉल। बावलपुर आते तो रहते हैं लेकिन ये नहीं पता कि भाई ना मैरिज हॉल कौन सी साइड पे है। हसनदा साहब कैसा रहा सफर आपका? माशाल्लाह बड़ा अच्छा सफ़र रहा है। ये बावलपुर नवाबों का शहर है, यहाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कई सैकड़ों मरतबा आया हुआ हूँ और बहुत ही खूबसूरत शहर है पाकिस्तान का। ये काफ़ी दिनों के बाद आना हुआ है यहाँ और काफ़ी ज़बरदस्त बहनों जी खुरम भाई आपकी बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। भाई कैमरे रेडी हो चुके हैं, अब शूट की तैयारी। शूट की तैयारी भाई बता रहे हैं जी, कैमरे रेडी हो गए हैं, बस शूट की तैयारी है। अल्लाह करे खाना मिल जाए, मुझे लगता नहीं है। साहब की वेलकम के लिए दुल्हन वाले खड़े हुए हैं सामने। अल्हम्दुलिल्लाह दूल्हा आ चुका है और उसकी एंट्री करवाने के लिए वेट कर रहे हैं। माइक में ला नहीं सका इस वजह से थोड़ा सा शोर होगा, इसे थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। दोस्त है काशी का, एज ए फोटोग्राफर आया ना, इसे फोटो कम जो है फोटो वगैरह। हाँ दूल्हा साहब आ चुके हैं, ये देखें दूल्हा साहब को अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी अदा करे। आज हफ्ता हो गया मुसलसल ड्रिप लग रही हैं, तबीयत खराब है। माशाल्लाह शादी में तो बहुत ज़्यादा रश है, अल्लाह करे खाना मिल जाए, मुझे लगता नहीं है। देखें ये पोजीशन है, अच्छा खासा पंडाल सजा हुआ है, ये देखें बड़ी दुनिया यहाँ आई हुई है। दूल्हा साहब की एंट्री करवा रहे हैं, दूल्हा साहब हैं। ये हमारी टेबल लगी हुई है, हसन भाई बैठे हुए हैं और ये यहाँ का एक बावलपुर का एक रस्म है, कोई दूल्हा राजा नुमान खलील करामत अली मोहम्मद शहजाद ये उनकी तरफ से ना गिफ्ट दिया गया है, मिला बहुत मुश्किल से है ये। काशी भाई की मेहरबानी है जो मिल गया है, ये हमारे चाचू बैठे हुए हैं, ये इनकी मेहरबानी से मिल गया हमें, वरना हमें ये हमें नहीं मिलना था। आ चुके हैं और ये एक रह गया हसन रजा साहब भी मेहनत करेंगे खाने पे, ये काशी भाई करेंगे। बड़ा है, बिरयानी है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, धुएं उठ रहे हैं, खा के बताएंगे इंशाल्लाह कि कैसा टेस्ट है कैसा नहीं है। इस चीज़ में माशाल्लाह हमारे हसन भाई बहुत एक्सपर्ट हैं। दूल्हा साहब ने खाना खा लिया, हम लोगों से ज़रा मुलाकात कर रहे हैं। खाना वगैरह खा लिया, अब लाइटिंग बंद हो रही है, देखें ये देखें है। उसके बाद यहाँ ताहिर फोटोग्राफी एंड फिल्म पर पहुँचे हुए हैं, ये काशी भाई के दोस्त हैं, अब इनसे जाके मुलाकात करते हैं। शॉप पर पहुँच गए सर, बात कह नहीं दिया, वो भी लेके रख ले तो और किसी से मंगा ले। अपना मैक एक साथ रख लो, मैक माइक है मेरा पास। अल्लाह का शुक्र है खैर वाफिया से पहुंच गए मुल्तान, बहुत थक गए हैं, पूरी रात जलील हो गई है, 5 बजने वाले हैं सुबह के, भाई के पास पहुंचे हुए हम।
हाँ ये मुल्तान आ गए, गए थे शादी में, ये मुल्तान आ चुके हैं, ये हमारी दुकान पे आए हैं। अब पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं हमारे, कुछ भी नहीं करना चाहते। देखो ये आपने चाय पूछी है ना, पानी पूछा है, रोटी पूछी है, मैंने खाली कढ़ाई है, खाली कढ़ाई है, बर्गर भी शवारमा पड़ा तो चलो खा लेते हैं। खत्म हो गया यार, ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये देखो खाली कढ़ाई है, ये देखो ये देखो सालन है, ये सब्जी है, ये पीस था ठीक है, वो रोटियां, बाकी चीज शवारमा भाई, ये देखे खत्म हो गया, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। हमारे लिए दुआएं मिलेंगी यहाँ से, और कुछ नहीं मिलेगा, वही मिलेगी। बोतल है, ये देखो बोतलें हैं, कौन सी बोतलें पीनी है, बोतल जो आपका दिल करे खोल दो, बोतल रेगुलर में सेवन अप, रेगुलर में सेवन अप क्या मतलब, बोतल सेवन अप पीनी है, कौन सी पीनी है भाई, कोई तो खोल दो यार, ये पेपर पकड़ यार, खाली तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये मैं हमारे अली उमर भाई हैं, इनके इनकी आईडी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं इनका जो है ना चैनल के शॉर्ट नीचे अपने लिंक में लगा रहा हूँ, आपने लाजमी इनको सपोर्ट करने, माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। अली भाई आप लोगों को इंटरटेन, फनी एक्टिंग, इवेंट वगैरह भी, हाँ इवेंट वगैरह भी अटेंड करते हैं, तो इंशाल्लाह आप इनको भी सपोर्ट करें जैसे मुझे कर रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।